Hello guys and welcome back to Food by Jay. So we are trying Tibetan, Taiwanese and Korean food, मतलब एशिया का धमाल सारा. Like we are having boba tea. वैसे उसको हम सारे misinterpret करते हैं for being Korean or Japanese, but it's actually Taiwanese. And then we are having laughing. Maybe we can also try some other Tibetan cuisine and Korean food. So let's see how it goes. Haji Mehmat. टेक्सचर बैलेंस है. मुझे फर्स्ट बाइट पे तो स्पाइसी लगा था लेकिन अभी नहीं लग रहा. आई थिंक वो मेरा मुंह का स्वाद वैसा बन गया, लेकिन बहुत यम्मी है. आई गेस ये सबका ही रिकमेंडेशन होता है यहाँ पे, सो आई ऑल्सो रिकमेंड दिस. ईट दिस एंड गेट द स्पाइसी. क्या हम खा रहे हैं लाफिंग और उसके बाद क्या करेंगे लाफिंग. समटाइम्स फॉरशैडोइंग इज रिलेटिवली ऑब्वियस. कैसे खाया कैमरामैन विद जीरो स्पाइस टॉलरेंस. खाना अच्छा है पर मेरी स्पाइस टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है. स्पाइसी हो गया ना लाफिंग, मेरे लिए भी स्पाइसी हो गया क्योंकि मेरी स्पाइस टॉलरेंस अच्छी है. बट यहाँ पे पता है कितनी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे हमें रामेन मिल सकता है, लाइक द कोरियन वाला. और हमने लिया ये स्नो कुकी. आई डोंट नो इफ इट्स कोरियन या तिब्बतन, बट थोड़ा सा स्पाइस तो मुझे लगता है. सिर्फ सॉल्टी है ये, बट हाँ इट्स वेरी रिच इन प्रोटीन, सो प्रोटीन अमाउंट. नाउ दिस इज किमची. नहीं
इट इज सार एंड स्पाइसी, एकदम से गले में लग, कम अमाउंट में लेनी चाहिए, मैं इतना हब्शियों की तरह नहीं खाना चाहिए. नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर सॉर्ट ऑफ किमची आई गेस. दिस इज स्वीट, थैंकफुली बीन्स, ये तो इंडियन बीन्स ही हैं. And I don't know what this is. I think chicken hai ya fir kya hai. It tasted like chaap. Maine khaya pehle. To abhi ye hum tteokbokki ke saath khayenge. I should spell it right. So yaar main tteokbokki khane ke liye bahut zyada excited hu. Matlab this is the first time I'm actually trying this. So let's dig in. Main aur cheez nahi le pa rahi hu ye kya. इट्स लाइक राइस को ना गूंदा हुआ है प्रॉपरली एंड देन इट इज पुट इन गोचुजांग सॉस एंड ऑल. बहुत टेस्टी है, मतलब इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बट आई गेस इंडियन पैलेट के हिसाब से तो ठीक ही है. नाउ लेट्स ट्राई किम्बा. आई डोंट नो इफ इट्स द राइट वे टू डिप और इसमें ना ऐसा नहीं है कि राइस एक साथ चिपक गए. देर इज अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ राइस, देर डिफरेंट टेस्ट ऑफ चिकन और इवन लाइक वेजिटेबल्स का भी डिफरेंट टेस्ट है. सो आई लाइक बोथ ऑफ इट एंड तोतबोकी इज़ 100% रिकमेंडेड. वो आई डोंट नो तुम्हारे टेस्ट के साथ मैच करता है या नहीं, बट तोतबोकी तो यम है. कैबेज ट्राई करते हैं. बड़ा क्वांटिटी थोड़ा कम है. मी कंप्लेनिंग अबाउट क्वांटिटी एवरी टाइम. तिलक नगर वाली वीडियो में भी यही किया था मैंने. या तो जो भी जो सॉस है ना जिसमें तोतबोकी है, इट्स एक्चुअली गोचुजांग और थोड़ा सा स्पाइसी सार सारा कुछ मिक्स है. इट्स वेरी वेरी थिक बिकॉज आई गेस राइस जो है ना वो थिक बना देता है सॉस को. एंड वेजीज जो है इसमें कैबेज, अनियन एंड स्कैलियंस हैं एंड आई लाइक हाउ इट्स परफेक्टली सोक्ड अप इन सॉस. और इवन इसमें भी द फ्लेवर्स आर एनहांस, मतलब ऐसा नहीं कि चिकन इज़ वेरी ड्राई और समथिंग. दिस सोया सॉस इज आई गेस डाइल्यूटेड और समथिंग, क्योंकि हमारे जो सोया सॉस चाउमिन में डलती है ना उससे बहुत डिफरेंट है. इट इज़ अ लिटिल स्पाइसी एंड इट हैज़ अ किक टू इट, वेर एज जो सोया सॉस हमारी होती है उसमें तो बिल्कुल अलग सा ही टेस्ट होता है कुछ. बट दिस इज एक्चुअली क्वाइट गुड, आई लाइक इट. सो वी एट थ्री थिंग्स, लाफिंग जो कि तिब्बतन था, बोबा टी जो कि ताइवानीज थी, और हमने यहाँ कोरियन फूड खाया तोतबोकी एंड किम्बा. तो आई होप यू गाइज लाइक इट. अगर तुम लोग को कुछ नया ट्राई करना है एशियन क्विजींस में, सो डू कम टू मजनू का टीला एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स. थोड़ा स्पाइस का अमाउंट कम रखवाना लाफिंग में इफ योर स्पाइस टॉलरेंस इज नॉट गुड. एंड आई होप यू गाइज लाइक इट. आई बी टेकिंग वन मोर स्ट्रॉबेरी वाला बोबा टी फॉर माई सिस्टर एंड उनका भी रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे एंड देखते हैं कैसे उनको कैसे लगता है. एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना जो भी नॉर्थ कैंपस के आसपास रहते हैं, डीयू में जो पढ़ रहे हैं, वो लोग का तो स्पॉट आएगा सिर्फ मजनू का टीला. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल. अभी शुरू ही किया एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट व्लॉग. ज़्यादा स्पाइसी है? नहीं. तेरे को लग गई स्पाइस. चलो चलो बोल दो ना. Thank you.